हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से जो हमारी वर्कशीट है 8 सितंबर 2021 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 65 क्लास 3 के लिए है ये वर्कशीट। और ये रिकैपिटुलेशन शीट है, यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। हेलो डियर चिल्ड्रन, लेट अस टेक अ क्विक वॉक इन द मैजिक गार्डन। हमने मैजिक गार्डन पढ़ा है प्रीवियस वर्कशीट में, जो चैप्टर मैजिक गार्डन पढ़ा है, आज हम उसके बारे में और ज़्यादा उसको रिवाइज करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस। तो हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंस को पढ़ के उनका जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो वो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज़ द मैजिक गार्डन वॉज, मैजिक गार्डन क्या था, कहाँ पे था? ऑप्शंस हैं इन द स्कूल प्लेग्राउंड, इन द नेबरहुड या इन द फॉरेस्ट। तो कहाँ पे था मैजिक गार्डन? स्कूल के प्लेग्राउंड में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश डग द ग्राउंड वेल, कौन जो है ग्राउंड की जो मिट्टी है उसको अच्छे से खोदते थे, कौन खोदते थे? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, बॉयज़ गर्ल्स या दोनों बॉयज़ और गर्ल्स। तो कौन करता था, जो मिट्टी होती थी ग्राउंड की उसको कौन अच्छे से पौधों के लिए खोदते थे? बॉयज़। थर्ड क्वेश्चन इज़ द मैजिक गार्डन हैड डैश टू, मैजिक गार्डन में क्या भी था? ऑप्शंस हैं ए पॉन्ड, बी डॉल्स या सी फेरीज़। तो क्योंकि वो मैजिक गार्डन था तो उसमें फेरीज़ भी थी, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज, बर्ड्स जो है वो बच्चों को क्यों प्यार करते थे? क्योंकि ऑप्शंस क्या क्या है, दे वर काइंड एंड ब्रॉट ब्रेड फॉर देम, दे गेव देम वाटर, दे बिल्ट नेस्ट फॉर देम। तो क्या क्यों प्यार करते थे बर्ड्स बच्चों को? बिकॉज दे वर काइंड एंड ब्रॉट ब्रेड फॉर देम, वो काइंड थे और उनके लिए ब्रेड लेकर आते थे। फिफ्थ क्वेश्चन इज दीज आर सम ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स मैंशनड इन द स्टोरी। हमारे पास ये ऑप्शंस में नीचे कुछ वेराइटीज़ दी हुई हैं फ्लावर्स की, इनमें से कौन कौन से स्टोरी में मैंशनड थे? तो ऑप्शंस क्या क्या है, ए सनफ्लावर, लिली, लोटस, रोज़, या बी सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज़, लोटस, या सी सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज़ या पॉपी। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से फ्लावर्स मेंशन किए गए हैं मैजिक गार्डन वाली स्टोरी में? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज़ एंड पॉपी। नेक्स्ट है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द मैन एंड द मंकी इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। ये हमें एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको क्या लगता है अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कि मैन और मंकी आपस में क्या बातें कर रहे हैं? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। तो आप इमेजिन करेंगे और इनके डायलॉग्स आप खुद क्रिएट करेंगे। से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। और जब भी आप ये इमेजिन करेंगे और इनके डायलॉग्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे, तो आपको इन डायलॉग्स को ज़ोर से बोलना है और अपनी नोटबुक में लिखना है कि मंकी ने क्या बोला है और मैन ने क्या बोला है। यू मे टेक दी हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। आप अपने बड़ों की इसमें मदद ले सकते हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताइए कि कुछ लोगों के नाम फूलों के नाम से प्रेरित होकर रखे जाते हैं, जैसे कमल, जैस्मिन आदि, और उन्हें ऐसे अन्य नाम सोचकर बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों से बात करें और उन्हें बताइए कि कुछ लोगों के नाम जो हैं वो फूलों के नाम से रखे जाते हैं, जैसे कि किसी का नाम कमल होता है, किसी का जैस्मिन रखा जाता है, तो ये हमारे फूलों के भी नाम होते हैं। तो ऐसे ही कोई अन्य नाम सोचकर आप अपने बच्चों को बताएं कि कौन से ऐसे फूल होते हैं कि फूलों के नाम पर इंसानों के नाम भी रखे जाते हैं। इसके साथ साथ जो COVID-19 का जो मैसेज रहेगा वो क्या है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी सभी को बनाकर रखनी है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।